हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग NPC। सो बच्चा, आज की क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के स्टडी करने जा रहे हैं। बट क्लास स्टार्ट करने के पहले हमने लास्ट क्लास में जो भी सीखा है एक बार उसका रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो आप जब भी क्लास स्टार्ट करें, आपने लास्ट क्लास में जो भी सीखा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें। सो लेट्स रिकॉल अवर प्रीवियस क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडी अबाउट सो मैनी टॉपिक्स लाइक मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऑस्टर इफेक्ट, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस किए थे। अब मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ मटीरियल दैट अट्रैक्ट अदर मेटल ऑब्जेक्ट, एंड अराउंड अ मैग्नेट देर इज़ अ फील्ड, देर इज़ अ रीज़न इन विच द मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू मैग्नेट, एंड इट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर दोज लाइन्स इन विच द आयरन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्फ। ओके, सिंपल सी ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। एंड यस, ऑस्टर इफेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है इस आज की क्लास को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, ऑस्टर लॉ में हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ओके, ऑस्टर ने हमें बताया था कि वेन एवर वी अप्लाई द करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वी कैन से अ इलेक्ट्रिक सर्किट, देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन हो सकता है। ओके, तो मैं ऑस्टर्ड ने सिर्फ ये रिलेशन बताया है, सिर्फ मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का लिंक बताया है, उसके आगे मैग्नेट के और इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लाइन्स वो किस पे डिपेंड होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी जानना बाकी हैं। तो हम आज की क्लास में वो सभी फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शंस क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज क्लास, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल, करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड सोलेनोइड। ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन इस क्लास में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देर इज अ एक्स वाई कॉपर वायर एंड इट इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड देर इज अ की, बैटरी, एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सो मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सीरीज इन दिस सर्किट। ओके, ये आप देख पा रहे हैं कि आपने एक्स वाई एक कॉपर वायर लिया है और उस कॉपर वायर के पॉइंट एक्स और वाई को बैटरी, की, एमीटर एंड रेजिस्टेंस से एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि सभी जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो सभी कनेक्टेड हैं इन द सीरीज। ओके, अब देखिए, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव इस डायरेक्शन में, सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। एंड यस, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएबल और वेरी द करंट। आप इस टॉपिक में करंट को वेरी करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, क्योंकि एमीटर तो क्या करता है, एमीटर का काम है करंट का मेजरमेंट करना, बट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जैसे रिएस्ट्रेट भी कहते हैं, वो एक बॉक्स होता है जिसमें काफ़ी सारे कीज होते हैं और जिस रेजिस्टेंस को आपको यूज़ करना है उसमें आपको की प्लग आउट करना होता है और वो रेजिस्टेंस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके करंट की वैल्यू को वेरी करवा सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, हमने ये स्ट्रक्चर रेडी किया, उसके बाद एक प्लेन पेपर लेते हैं। ओके, प्लेन पेपर लेते हैं या एक प्लेन लेते हैं, सपोज ये लिया हमने प्लेन, और उसके वो इस तरह से रखते हैं कि हमारा जो स्ट्रेट कंडक्टर है या फिर कॉपर वायर है वो एकदम परपेंडिकुलर रहे। ओके, ये जो पेन देख पा रहे हैं, जस्ट आपने इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रखा है, तो इस तरह से हमको रखना है
इस कॉपर वायर को, ओके, एक परपेंडिकुलर में, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर में रखना है। और यहाँ पे हमको इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, या कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं आप, उसके ऊपर आपको आयरन फाइलिंग्स जो है वो स्प्रेड करना है, ओके। एंड जैसे ही आप की को प्लग इन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा सर्किट में। एंड जब एक्स वाई के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा, देन जेंटली अगर आप इससे कार्डबोर्ड को थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये जो आयरन फाइलिंग्स है एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं वो उनमें अरेंज हो गए हैं, ओके, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गए हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप देख पा रहे हैं, इस तरह ये अरेंजमेंट हो गया है इनका। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में पास आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, ओके, अराउंड द एक्स वाई कॉपर वायर और वी कैन से स्ट्रेट कंडक्टर। हमने कॉपर वायर जो है स्ट्रेट कंडक्टर के फॉर्म में यूज किया हुआ है। तो आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, और ये जो आप देख पा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में ये है, ओके। अब आपको डायरेक्शन चाहिए। अब आपने क्या किया, ये तो ऑस्टर्ड इफेक्ट है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है, बट हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, क्या यूज़ करते हैं जनरली हम, मैग्नेटिक कंपास, ओके, उसमें आप अंदर एक नीडल रहता है जो कि शो करता है डायरेक्शन एन एंड एस, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। तो यहाँ पर हमने पॉइंट पी पर, मींस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक पॉइंट लिया हमने पी, उस पर हमने मैग्नेटिक कंपास रखा और उसके थ्रू हमने क्या किया, डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। तो डायरेक्शन इस तरह से आपको मिला, ओके। डायरेक्शन कैसा मिला, ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से, या फिर बोल सकते हैं आप क्लॉकवाइज, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शंस हैं ये क्लॉकवाइज मिले, ओके। अब जैसे आप पॉइंट क्यू पर जाते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये धीरे 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 ये ग्रेटर होते जाते हैं, सर्कल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि पॉइंट जो आप एक्स वाई स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ओके। और जैसे जैसे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे लेस होता जाएगा। पॉइंट्स हैं एंड विच आर इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वन इज़ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन, या फिर अगर आप करंट की वैल्यू को वेरी करें तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, ओके। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दें, करंट की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। इफ़ वी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीजेस, ओके, एंड इफ़ वी डिक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो विल बी डिक्रीजेस, ओके। अब क्या किया, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस बैटरी को रिवर्स कर दें, मीन्स करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, मीन्स करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, ओके। सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो देखिए आप ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये सेकेंड पॉइंट पर डिपेंड है। अगर आप यहाँ पे सेंटर पे देखेंगे तो आपको जो सर्कल्स हैं वो काफ़ी स्मॉल मिलेगा, छोटा मिलेगा, धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सर्कल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर आपकी डिक्रीज होगी या कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेगा आपको एंड डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे वीकर होता जाएगा। ओके, ये टू पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, अब क्या करते हैं कि आपने जो डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक कंपास यूज़ किया है, बट आप हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे मैग्नेटिक कंपास यूज़ नहीं करना चाहते। ओके, तो उसके लिए एक न्यू रूल आया जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, दिस इज अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड दिस इज होल्डिंग इन माई राइट हैंड इन सच अ वे द थंब इज पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये जो थंब है मेरा ये, और ये जो पॉइंट है स्ट्रेट कंडक्टर का, वो किस तरह से है कि ये दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह से दी जाती है, तो क्या होता है कि ये जो आप रैप फिंगर देख रहे हैं जो कि इस कंडक्टर को होल्ड किए हुए है, ये कर्ल फिंगर्स जो है वो कर्ल फिंगर शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। ओके, अब अगर मैंने इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जैसे ही मैं करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दूँ, ये डाउनवर्ड कर दिया हमने, तो डाउनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, मीन्स क्लॉकवाइज होगी। ओके, ये क्लॉकवाइज इस तरह से आपको मिलेगी। तो ये सिंपल रूल है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इजीली आप फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। न्यू टॉपिक विल बी करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। देखिए, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था करंट थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने स्ट्रेट कंडक्टर यूज़ किया था और उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन बताया था, एंड डिस्टेंस को अगर आप वेरी करें तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड एट लास्ट सिंपल सा रूल जो है राइट हैंड थंब रूल, जिसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को ईजीली शो कर सकते हैं, ये अब हमने डिस्कस किया था। अब क्या करते हैं हम उस वायर को, हमने जो स्ट्रेट कंडक्टर यूज़ किया था, हम उस कंडक्टर को बेंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में इस तरह से हमने उसको बेंड कर दिया। ओके, और उसे आप बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप प्लग में की को इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरे सर्कुलर लूप में इस तरह से फ्लो करता है कि आपका ये जो बैटरी लगा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको ये तो डायरेक्शन पता है, बैटरी के हमेशा पॉजिटिव से करंट फ्लो स्टार्ट होता है एंड नेगेटिव में वापस करंट एंटर हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करें। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर दिया तो उसमें तो आप डायरेक्शन को मेज़र कर सकते हैं, सर्कुलर लूप में कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये काफ़ी सिंपल है। देखिए, सर्कुलर लूप अगर कभी भी लें आप, तो उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, ये बात क्लियर है, हर एक पॉइंट पर। तो हम सपोज करते हैं यहाँ टू पॉइंट्स। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि इस डायग्राम में, एज यू कैन सी, आपने पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है, एक पॉइंट यहाँ पे सपोज किया है। अब उस पॉइंट के एक सेगमेंट आप क्लिक कर लीजिए। ओके, एक सेगमेंट को आपको सपोज करना है, मतलब ये इस तरह से एक स्ट्रेट कंडक्टर आपको सपोज करना है। अब देखिए, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस वे में होगी, क्योंकि बैटरी के थ्रू यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने अभी थंब रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि करंट अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो
तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेंगे आपके, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दैट इज द एंटी क्लॉक वाइज. ओके, सो यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स क्रिएट करेंगे. ओके, अब इस पॉइंट पर अगर आते हैं तो ये देखिए ये पूरा सर्कल यहाँ पे घूम के आया और इस पॉइंट पर आकर इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो गई. ओके, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको इस तरह से रखना है आपका थंब और इस तरह से ये जो फिंगर्स कर्ल कर रही है दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गई हैं. तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं आपको पता है कि ये जो पॉइंट के जस्ट पास में डिस्टेंस काफ़ी जब कम होता है तब मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स वीक होती जाएंगी. ओके, और ये वीक होती जाएगी. इसको आपको शो करने के लिए, इसको समझने के लिए ये जो सर्कल्स हैं ये सर्कल्स काफ़ी बड़े होते जाएंगे. तो धीरे धीरे आपके ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ये क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म लाइन. ओके, स्ट्रेट मिला है मतलब कि यूनिफॉर्म. इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट मिले या यूनिफॉर्म मिले, यूनिफॉर्म डायरेक्शंस में मिले, तो क्या होगा वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है. ओके, तो स्ट्रेट कंपेयर के कंपैरिजन में सर्कुलर लूप में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है. ओके, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द सोलेनोइड. ये इसका जो वर्किंग है, इसकी जो थियरी है वो एग्जाम में जनरली आती है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. देखिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ये सर्कुलर लूप्स लिए, ये अभी आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसे फोल्ड कर लिया और आपको जो सर्कुलर लूप मिला वो ओनली वन. अब ऐसे काफ़ी सारे सर्कल्स अगर आप एक बहुत ज़्यादा बड़ा करंट कैरिंग वायर ले लें और उसे आप रैप कर दें और उस वायर को आपने इस तरह से उसके लूप्स बना दिए कि काफ़ी ज़्यादा टर्न्स हो गए उसके, मतलब एक ये फिर उसके आगे फिर ये फिर ये, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टर्न्स वाले लूप आपने क्रिएट कर दिए और उन लूप को उस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपने ये काफ़ी सारे टर्न्स ले लिए, लूप्स बना लिए. ओके, सर्कुलर लूप हैं और इसका जो एक एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और जो लास्ट एंड है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया. जैसे ही आप प्लग को की में इंसर्ट करेंगे देन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब ये जो एरो हेड आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब क्या होता है कि ये जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड इज सिंपल कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मीन्स इंसुलेटेड जो कॉपर वायर्स के काफ़ी सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं. ओके, और इसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप में ये इस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है. सोलेनोइड का इस तरह का ऐसा पैटर्न होता है कि हम ये जो टर्न्स ले लेते हैं और इसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ओके, अब आपको पता है कि ये सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी. तो ये सपोज आप इस ये जो अपर हेड आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर कर लें और इन पॉइंट्स पे आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तो कुछ इस तरह से आपको फील्ड्स मिलेंगी और यहाँ पर नीचे आपने जो मैग्नेटिक फील्ड सपोज किए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिलेंगी. तो सोलेनोइड क्या होता है? एक सिंपल बार मैग्नेट की तरह क्रिएट हो जाता है, बार मैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है. बार मैग्नेट में हमने देखा है कि देर आर टू पोल्स एन एंड एस, सो यहाँ पर भी टू पोल्स क्रिएट हो जाते हैं. ओके, एंड द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, मतलब इस तरह से आपको
फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी सोलेनोइड के अंदर। ओके, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस एंड पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस मिलती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सोलेनोइड है, एक्चुअली ये आपका आर्टिफिशियल है, मीन्स आपने ये कंस्ट्रक्ट किया है। जो बार मैग्नेट है वो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो परमानेंट होती है। आप न तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ना डिक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पर सोलेनोइड के केस में आप मैग्नेटिक फील्ड को या स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिज्म को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ का अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करना है, देन वी कैन यूज़ सोलेनोइड। आपने देखा होगा अभी न्यू टेक्निक चल रही है MRI, जिसमें पूरी बॉडी का आपको स्कैन करके स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो वो जो होलो मशीन होती है उसके अंदर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, और उसी की वजह से आपको बॉडी के हर एक पार्ट का जो इमेज है वो आपको मिल जाता है। तो ये सोलेनाइट का यूज़ है, फैन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सोलेनाइट सिंपली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड सोलेनोइड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप जनरली सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिल जाती है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था वो सोलेनोइड का था, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लान ऑफ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉक वाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एक टेबल पर सर्कुलर लूप रखा हुआ है, और वो लूप इस तरह से रखा हुआ है कि उससे जो बैटरी कनेक्टेड है एंड द करंट फ्लोइंग, जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग है विच इज़ क्लॉक वाइज। तो बैटरी को इस तरह से रखेंगे देन डायरेक्शन क्लॉक वाइज होगा। ये जो एरो है आपके डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप सर्कुलर लूप के, आपको ये तो पता है कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे ये जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटेड हो रहे हैं, उनमें आपको इस तरह से दिखाई देंगे कि ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल जो दिख रहा है, ये इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि ये टेबल के इंटर जा रहा है। और ये जो दिख रहा है सेकंड वाला जो हाफ पार्ट है, वो टेबल को पियर्स कर रहा है, टेबल के नीचे जो साइड है, बैकवर्ड साइड है, उस साइड में वो इंटर हो रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका पोर्शन होगा, दैट इज़ द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एंड इज़ द डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में इंटर हो रहा है वो है अपवर्ड लाइन्स, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होगी, एंड यहाँ पे वो पियर्स कर रहा है टेबल को, दैट इज द डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करना है। तो सिंपली आपने सोलेनोइड में स्टडी किया है, सर्कुलर लूप में भी स्टडी किया है कि आपको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन्स मिले तो वो स्ट्रेट मिलेंगी इस तरह से। एंड दैट विल प्रोड्यूस अ हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरह से होंगे सोलेनोइड में। तो आपने पढ़ा है कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पैरेलल कब होगी, जब उस और पैरेलल कब होगी जब उस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो वैल्यू है वो सेम होगी. ओके, सो योर आंसर विल बी डी इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स. ओके, ये 3 एग्जांपल्स थे जो कि बेस्ड थे आज के हमारे कॉन्सेप्ट पर. अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपके इस सिलेबस में, इस चैप्टर में रिमेनिंग है. ओके, तो ये पूरा फिनिश करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे. तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.